रात में इधर सो रहे थे अपने कार में, तो हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। चलिए रास्ता में आपको दिखाते चलते हैं। और सबसे पहले तो अपनी मोहब्बत से मुलाकात करनी है भाई साहब, गणपति बाबा मोरिया। ये इधर देखो, इधर कल भी आपको ये नहीं दिखा है, ये भी मस्त मौला हो रखा है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:21 और हम लोग अभी निकल गए हैं पेट्रोल पंप से। वहाँ से निकले हैं 9 बजे के आसपास और थोड़ा लेट से आज उठे हैं। जिन भैया तो सो रहे थे, हम उठाए इसीलिए तो 10 भी बज जाता। अच्छा, किसने उठाया आपको? भाई मैं तुझे कब से उठा रहा था, बट हालांकि वो टाइम ये था, मैं 3 बजे उठा दिया था। तो बाबा उड़ी बाबा, ये देखो देखो ब्रिज हिल रहा है, ब्रिज हिल रहा है बाबा। इतना बड़ा बड़ा ट्रक जाएगा तो हिलेगा ही ना। मुझे लगा कौन धक्का दे रहा भाई। तो हे यार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। राजू स्टार्ट हो गया अभी से, आज ना इसको बड़ी मार मारेंगे सच में। क्यों मारेंगे? क्यों रे? हाँ मारते, ये बहुत बोलते रहता है साइड से। इंतजार करते करते अभी मिला है। यहाँ सचिन भैया लिए हैं पार्सल। क्या क्या है? ये है मसाला, क्या बोलते इसको, अंडा बाजी। ये मसाला बाजी, मसाला बाजी। तो अभी हम लोग ना पार्सल ले लिए हैं। ये केला का है, ये देख रहे हो, ये केला का। सचिन भैया खाए तो बोल रहे पका हुआ केला है इसके अंदर। खा कर देखो, मस्त है। हाँ टेस्ट तो अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा लग रहा है। इसमें पका हुआ केला है, इसमें मुझे लगा था कच्चा केला होगा। अंडे का वड़ा है, मतलब आलू वड़ा। इधर ना ये बहुत आइटम बना देते ये लोग, फिर मिठाई उतनी नहीं मिलेगी आपको, स्वीट्स बहुत कम मिलेगी। और एक आइटम और है, ये मसाले का मसाला वड़ा, क्या बोला था? आलू वड़ा। आलू है, आलू वड़ा। अच्छा, हम लोग आलू चॉप बोलते हैं इसको। आप लोग? वड़ा पाव। वड़ा पाव पाव तो या नहीं, आलू वड़ा। आलू वड़ा पता है, 5 तो है ना, 2 केले का था और 2 ये आलू वाला और 1 वो भैया का वो अंडे वाला। 1 का 10 पड़ा, 50 का 5 है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे नाश्ता वास्ता करके चाय वगैरह लेके अब यहाँ से चल रहे हैं। कोझिकोड़े से निकल चुके हैं और अभी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 12:45। हाँ जी, 11:50 हो रहा है और आज टारगेट तो वैसे कन्याकुमारी तक का है, बट कन्याकुमारी तक हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि आज फिर से अपने को कैंपिंग करनी पड़ेगी। और जहाँ अच्छा जगह मिल जाएगा वहाँ पे 6 बजे तक हम लोग रुक जाएंगे। अभी उसके पास चला गया है, अभी मेरे पास कभी आना भी मत। मार खाएगा ये, बहुत बोलने लगा है। लाया खुद मैं लाने वाला करूँ मैं, और मुझे दुर्गू बोल रहा है। दुर्गू प्यार से बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है ना। अरे ये कैसा है, इधर लेने आप लोगों को। अच्छा ये राजू तू ही ले ले फोन, तू अपने हाथ और तुम ही दिखा जीपीएस, ठीक है? आगे से राइट लेना, नहीं हां राइट भी इधर तेरे पापा का घर है ना, घर में घुसा देंगे राइट लेके। देख अगर उसने मारा पीटा तो मैंने बचाने वाला तुझे, सच्चे बोल रहा हूं। मैं नहीं, उसमें ताकत ही नहीं है। बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं फील द लाइफ चैनल से सीधा प्रसारण, जो आपको प्रस्तुत कर रहे हैं संगीतबद्ध किया है राजू ने और इसको स्वरबद्ध किया है दुर्गेश ने। तो सुनिए दुर्गेश की आवाज में एक घटिया सा गाना। ओए राजू प्यार ना कभी। अरे ये नहीं रे, रुक जा। तो देखो यार इधर कितनी हरियाली है यार, कहीं भी बीज लगाने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं था। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये नेशनल हाईवे है? नहीं लगता होगा।
बट ये हाई नेशनल हाईवे NH66 ही है। और यार कितनी छोटी सी है, देखो हम लोग अभी आ गए हैं एक पेट्रोल पंप पे, गाड़ी में डीजल डलवाना है। और हाँ देखते हैं डेट क्या है इधर, क्या डला है। निकल जल्दी चालू है। अरे एक तो यहाँ पे जगह भी नहीं यार, क्या चलो चलते हैं। और डीजल का रेट है इधर केरला में 92.6, हाँ 92.6 है। तो हम लोग अब डीजल भरवा लिए हैं, चलते हैं यहाँ से आगे। चलो मियाँ चलो राजू। अरे तो यार इधर से ना केरला आपको क्रॉस करने में ना, केरला से कन्याकुमारी या किसी भी साइड में जाओगे केरला होकर, तो बहुत काफ़ी टाइम लगने वाली है आपको। क्योंकि यार ये कैसा हाईवे है यार, मैं तो पहले सोच रहा था कि ये हाईवे नहीं होगा, लोकल रोड होगा यहाँ की, बट फिर देखे तो यार ये तो नेशनल हाईवे ही है। तो हुआ ये कि कुछ देर से ना हम लोग का माइंड ही चलना बंद हो गया था, इतनी सारी ट्रैफिक है ना इधर, और वो हाईवे भी बहुत छोटा सा है, तो दिमाग चलना बंद हो गया था। तो अभी तो पीछे एक टॉन था प्रो करके, और मैंने पूछा तो बोला कि प्रो टॉन से आप 3 किलोमीटर आगे हो। यहाँ पे अपनी मोहब्बत से भी मुलाकात हुई है, और साथ में कुछ सब्जियाँ भी लिए हैं, आलू प्याज वगैरह, और फ्रूट्स भी लिए हैं बनाना। तो चलते आगे और दिखाता आपको। देखो आगे तो देखो, अब देखो भाई साहब अभी हम लोग कोची पहुंच गए हैं, और कोची सब निकल भी रहे हैं कि अपने को इधर अभी रुकना है नहीं। हाँ हम लोग 6 बजे के आसपास रुक जाएंगे, कोई अच्छा जगह मिल गया तो थोड़ा पहले भी रुक जाएंगे, और नहीं मिला तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो सिचुएशन पे डिपेंड्स करता है। अभी मैंने वहाँ पे बोर्ड देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था अलपुजा 10 किलोमीटर। अलपुजा का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना के हम रखे हुए हैं साउथ इंडिया डो 2021 का, तो जाके देख सकते हैं। और हाँ क्या बोल रहे थे, और कुछ बोल रहे थे, हाँ कल ना मैं एक चीज बताना भूल गया था, कल जो हमारी गाड़ी चली थी ना, वो कल भी 500 किलोमीटर ही चली थी, और एवरेज वही दे रही है अभी 21.1 21.2 ऐसे करके है ना, वही है। और राजू तो कुछ भी बोल, क्या बोलूं? कुछ भी बोल, अभी इसको सुसु आ रही है, पागल है यहाँ पे सुसु करना तुमको कुछ भी। अच्छा दवा के रख थोड़ा देर, और अभी लोग सब कितने यहाँ पे, देख खिड़की खोल के बाहर करा दे। अरे लोग सब देखेंगे बाहर से, हटके रहा थोड़ा, कोई ठीक नहीं है। हम लोग अभी यहाँ पे रुके हैं, और भैया से चिप्स ले रहे हैं। इधर अगर आप लोग आओगे ना केरला में, तो इधर का बनाना चिप्स लेके जाना, बहुत फेमस है केरला का बनाना चिप्स। और बहुत सारे वो क्या चीज़ का है, वो भी चिप्स ही है, वो क्या चीज़ का है, मतलब बनाना का ही है, सब बनाने के। हाँ सब बनाना, तो मतलब ये सब को छोड़ के काजू है, और ये सब ना काजू भी इधर का फेमस है। ये काजू कितना का है, ये 150 का है क्या? और इधर ये जो है ना वो बनाना चिप्स, ये 100 का है, ये 100 का है, ये भी 100 का, ये भी 100 का, और एक ये लिए है ये भी 100 का है। सारे 100 के ही है, जितने भी बनाना चिप्स है सारे 100 का पैकेट है। तो 3 ले लिए हम लोग, एक उसमें से, एक उसमें से, और एक इसमें से। होम मेड। अच्छा ये सारे ना घर में बनाते हैं, घर में खुद से बनाते हो खुद से? अच्छा ये लोग घर में ही बनाते खुद से। तो आप लोग आइएगा केरला तो ट्राई कीजिएगा, ये बनाना चिप्स बहुत फेमस है इधर का। और अभी चलते हैं यहाँ से राजू, राजू मैं बड़े राजू, राजू ठीक है, थैंक यू। यहाँ रहा कोजी कोड़े,
और ये कोझिकोड़े से चलते 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 अभी अलपुजा में यहाँ पे हैं। अलपुजा से निकल गए हैं और इधर कन्याकुमारी ना इधर है, इधर तो अभी इधर तक तो नहीं पहुँच सकते, देखते हैं इधर कहीं, इधर बीच में कहीं रोकेंगे। कुछ पेड़ भी लगा देते हैं, इनको दे देते हैं, आम का पौधा है इनको दे भी देते हैं। और बात करते हैं कि यहाँ पर अगर कैंपिंग करने के लिए दे देते हैं तो यहाँ पर हम लोग बगल में रुक के कर सकते हैं। और वैसे क्या यार, बस गाड़ी लगाने के लिए दे दे और हम लोग तो खाना खुद से बना लेंगे और गाड़ी में भी सो सकते हैं। जब सोने के लिए थोड़ा आगे जाके पेट्रोल पंप भी सो सकते हैं, बस खाना बनाने के लिए मिल जाए, क्योंकि पेट्रोल पंप पे खाना नहीं बना सकते। तो एक बार बात करते हैं इनसे, देखते हैं क्या बोलते हैं। ये आम का पौधा है, ये लगा दे आपके यहाँ आम है, ये आम है, मैंगो ट्री, ये वहाँ पे लगा दे आपके यहाँ, खोदने वाला है कुछ, खोदने वाला कहाँ पे, कुछ खोदने के लिए दीजिए ना औजार। नहीं समझे आप, ये है खुरपी, खुरपी इधर है तू, यहाँ पे लगा दीजिएगा। अरे ये समझ नहीं रहे, खुरपी किसको बोलते, खोदने वाला, हिंदी थोड़ा थोड़ा जानते हैं बट ये अच्छे से अभी समझ नहीं रहे। तो इन्होंने बताया कि आगे ना बीच है, वहाँ पे जाके आप कैंपिंग कर सकते हो, वहाँ पे पार्किंग का कुछ सिस्टम है ऐसा, तो देखते हैं क्या होता है और आगे का आपको जानकारी मिल जाएगी। देखो ये है वो बीच, देखो देखो इधर इधर तक आ जाती है पानी का वेव, इधर तक लोकेशन मस्त है भाई साहब, मस्त लोकेशन, हाईवे के बगल में इधर ना, आपको हाईवे के बगल में ही सारे समुद्र दिखेंगे, क्योंकि ये कोस्टल लाइन है ना, जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, देख सकते हो नारियल के पेड़, और उधर समुद्र सरेरा। तो ये अंकल ये है जो कि हमें यहाँ तक ले कर आए हैं इस मंदिर पे, तो अंकल को थैंक यू सो मच अंकल। ओके ये सर है, सर आपका नाम निशांत प्रेसिडेंट है। अच्छा प्रेसिडेंट है, तो सर से भी बात हुई है तो सर ने हमें अलाउ कर दिया यहाँ रहने के लिए, तो हम लोग अभी इधर खाना बना के खाएंगे और सर रहने के लिए सर कोई जगह भी हमें दे रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। तो यार फाइनली डिसाइड कर लिए हैं कि कैंपिंग इधर ही करनी है, जो मंदिर के प्रेसिडेंट थे उन्होंने हमें बोल दिया कि आप यहाँ कैंपिंग कर सकते हो, हालांकि उन्होंने एक रूम भी हमें दिया है और वो पूछ भी रहे थे चावल वगैरह कुछ चाहिए, बोला नहीं यार हमारे पास सारा चीज़ है, आप इतना कर दिए वही बहुत बड़ी बात है। और इधर देखो ये मंदिर है, अन्नपूर्णा और माँ दुर्गा की मंदिर है ये, तो यहाँ पे भी अपना बेड लग चुका है, सचिन भाई बैठ भी गए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कुछ, पकाते क्या पका रहा है आज, देखते क्या पकाते, खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी तो खिचड़ी पकाएंगे। और इधर भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यार देखो कितना अच्छा जगह है, पीछे समुद्र और इधर टेंपल, समुद्र भी टेंपल भी, और यहाँ पे हम लोग करेंगे कैंपिंग। सुला दे उसको, तंगा हुआ है दिन भर से, हाँ बस यादों में खो रहा है बच्चा बस, और ना ये भी करना होगा। तो हम अभी ना प्याज काट रहे हैं यहाँ पे आराम से, हाँ शाबाश, वो केले खा ले, सारे केले सब खत्म कर देना, वो सारा खा जाएगा। तो अभी आलू भी यहाँ रेडी हो गए, पानी है इसमें डाल दो उसमें, और इधर प्याज इसमें, लोग केला तभी से खरीद के रखे हुए थे, राजू तो खूब खाया है तभी से नीचे बैठ के, अभी हम लोग खाने वाले हैं, मुझे भी चाहिए, तू तो खाया अब क्या खाएगा, और चाहिए मुझे, हम लोग खाते हैं केला और उसके बाद खिचड़ी भी अपना बन के तैयार होने वाला है, खाएंगे कहाँ पर, वहाँ बैठ के खाएंगे समुद्र के किनारे में बैठ के खाएंगे। खिचड़ी कैसे पकड़ा है, क्या क्या दिया है सचिन भैया, आलू प्याज दाल चावल मसाला हल्दी तीखा मीठ नमक मिर्च सब। तो यार देख सकते हो यहाँ पे, अरे राजू ये सब्जी को इधर रखते हैं, तो हम लोग का ना फाइनली खिचड़ी बन के रेडी है, और सचिन भाई एक बार और ये खिचड़ी बनाए थे जब हम लोग लेह लद्दाख जा रहे थे, तो काफ़ी अच्छी बनी थी और आज फिर से बनाए, तो कैसा लगा और पीछे ना उधर समुद्र है और इधर टेंपल है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और अपने हाथ में क्या है, खिचड़ी,
तो आज की रात हम गुजारने वाले हैं समुद्र के किनारे। अच्छा बना एलॉन। मजा आ गया सच में। कितना फास्ट बना, 15 मिनट में रेडी हो गया। तो गाइस अभी का कहानी ये होने वाला है कि अभी ना हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर ना वीडियो एडिट करके उसके बाद सो जाएंगे, और हाँ कल से फिर अपनी जर्नी स्टार्ट होगी। और इनको बीज भी दे देंगे, और सचिन डैड शायद और दे भी दिए हैं, बट हाँ। मैं नहीं दिया हूँ अभी, तो मैं सुबह में उनको दे दूंगा या लगा दूंगा इधर साइड में कहीं, इधर बहुत सारे स्पेस, इधर लगा दूंगा एक दो बीज सुबह में जाते वक्त। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, लेकिन ऐसे नहीं, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप में से कोई भी अगर हमारे चैनल अभी फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ ठीक है, मिलते हैं कल के ब्लॉग्स में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरे को भी मुस्कान देते रहिए। फिर मिलेंगे, चलते चलते।